देखिए, जो टैक्सी यूनियंस का विवाद है, उस टाइम तो मैं बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग गए हुए थे। वहाँ से एक छोटी सी बात को उप छोटी सी लड़ाई जो हुई शाम को, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ हो गया जो मेरी जानकारी में है। और बाद में जो है, कुछ एक लोगों ने जो है लकड़ बाजार में जो ऑकलैंड टनल के साथ यूनियन है, जिसकी वीडियोज़ जो है वो मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू मैंने देखी कि उन्होंने वहाँ आके लड़ाई झगड़ा बाहर से आके किया। पुलिस ने आके, जो पुलिस ने जो केस रजिस्टर करा था, उसमें एक पुलिस वाला था, उसको सस्पेंड किया गया है, मुकेश नाम का, जिसकी वहाँ पे ड्यूटी नहीं थी, और उसके बावजूद जो है लाठियाँ जो है गरीब लोगों के ऊपर चलाई गई, उसको सस्पेंड इमिजिएटली किया गया। एक और पुलिस वाला जो है इंस्पेक्टर रैंक का, उसके खिलाफ भी जो है एसपी शिमला को कंप्लेंट दी गई है, और डीजीपी से मैंने खुद जो पर्सनली बात करी है कि उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो इंस्टिगेट जो है गरीब लोगों को, शरीफ लोगों को जो है कर रहे हैं। कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं, उनके खिलाफ हमने दिया कि उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए और सस्पेंड होनी चाहिए। और जहाँ तक ये क्षेत्रवाद की बात है, देखिए, हिमाचल प्रदेश जो एक देवभूमि है, यहाँ पे किसी भी क्षेत्र का आदमी जो है काम कर सकता है, कहीं भी फ्री है सारे। और हम लोग सब, चाहे वो चंबा है, भरमौर है, पांगी है, कुल्लू है, मंडी है, सारे लोग शिमला में यहाँ के काम करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक सिरमौर की बात है, मैंने सोशल मीडिया के थ्रू भी देखा, लोगों ने धरना भी दिया कि हमने क्षेत्रवाद की बात करी। एक मेरे को स्टेटमेंट बता दें, या मीडिया के बंधु भी बता दें कि एक स्टेटमेंट हमारी जहाँ हमने क्षेत्रवाद की बात करी है। हमने सिर्फ ये बोला कि जो दोषी अगर 10 आदमी हैं, तो 10 के 10 खराब नहीं हो सकते, वो किसी भी क्षेत्र के, वो यहाँ के भी, शिमला के भी हो सकते हैं, सिरमौर के भी हो सकते हैं। उसमें से 2-3 आदमी सिर्फ होते हैं जो, जिन्होंने लड़ाई झगड़ा किया उनके ऊपर कार्रवाई करो, जो गाड़ियाँ इन्वॉल्व थी उनको बाउंड करो, सिंपल जैसी बात है। सारा यहाँ भाईचारा है सिरमौर, सिरमौर में हमारे क्षेत्र की रिश्तेदारियाँ वहाँ पे है, भाईचारा सिरमौर वालों के साथ है, शिमला वालों का। ये तो एक बे, बे जो बेकार में जो है एक क्षेत्रवाद की जो हवा जो है, कुछ पॉलिटिकल लोगों को मंच मिल गया है, जो बिल्ले हैं घर पे बैठे हुए हैं, उनको एक मंच मिला है बोलने का, और कुछ बात नहीं। और इसमें कोई कांग्रेस हमेशा सेकुलर रही है, इकट्ठे लोगों को करना सीखा है, और पुलिस कार्रवाई कर रही है, प्रशासन भी कार्रवाई कर रही है, कर रहा है, और जल्दी इसको जो है मामले को जो है सुलझा लिया। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि क्षेत्रवाद को आप बढ़ावा दे रहे हैं। क्षेत्रवाद को बीजेपी वाले तो आजकल बेल रहे हैं घर में अपने, पूछ कोई रानी अगले इलेक्शन में चल जाएगा, पता 2024 के उनको, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। आप ये बताओ, मैं उनसे ही पूछूंगा, चलो, जो ऐसा बोल रहे हैं कि अनिरुद्ध सिंह क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, कोई एक स्टेटमेंट ही बता दे, एक स्टेटमेंट बता दे मेरे को, कहीं भी पब्लिक पब्लिक मंच में या कमरे में बैठ के भी एक हमारी स्टेटमेंट बता दे कि हमने किसी क्षेत्र के खिलाफ बात करी। आपको ये लगता है ना जी कि इसको राजनीति रंग दिया जा रहा है? दे रहे हैं कुछ एक लोग जो, जिनको कोई पूछता है नहीं, और एक मंच मिल गया है बोलने का, वो लोग ही दे रहे हैं, बाकी कोई समझदार लोग कोई नहीं दे रहा। ये भी आरोप लग रहे हैं कि आप शिमला की जो टैक्सी यूनियन है, आप उनके धरने में गए, जबकि सिरमौर के लोगों के साथ आप खड़े होते हुए नजर नहीं आए। देखिए, ऐसा है, जो शिमला की बात है, जब मैं बॉम्बे से वापस आया, हमें डायरेक्टली जो है उन्होंने बोला कि हमने यहाँ मीटिंग रखी है और हम आपका वेट कर रहे हैं, तो मैंने तो उनसे मिलने जाना ही था, जब वो वेट कर रहे हैं, मैंने उनको टाइम दिया था कि मैं आ रहा हूँ। सिरमौर वाले कौन से मेरे पास आए हैं कि भाई साहब इसको सुलझा दो मेरी, हालांकि माननीय हमारे मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, उनसे मेरी लंबी चौड़ी बात हुई है इस बात को लेकर, विनय जी हैं उनसे लंबी चौड़ी बात हुई है कि ऐसा कोई विवाद नहीं है, हम लोग बैठ के सुलझा लेंगे, और ये सुलझने वाला मामला है। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि 3-4 आदमी जो हैं वो, क्योंकि टैक्सी कौन चलाता है आप ये बताइए, एक गरीब आदमी जिसको ज़रूरत होती है वो चलाता है, कोई शौक से कोई नहीं चलाता। हम लोग भी टैक्सी चला के यहाँ पहुँचे, कोई ऐसी बात नहीं है, मजबूरी में लोग चलाते हैं, कोई उनको शौक नहीं है कि दिन रात जो है सड़कों में जो गाड़ी लेके चल रहे हैं वो लोग, उनको कोई शौक नहीं है। लेकिन उनका जो है नुकसान जो है, एक चंद एक जो लोग हैं, 3-4 जो क्षेत्रवाद की बात करके या गुंडागर्दी की बात करके जो है हवा जो है माहौल जो है ख़राब करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये सब उन्हीं का है। हम भी चाहते हैं कि इमिजिएटली ये सुलझे। हमारा हमने SP से भी मैंने बात करी है, DGP से भी मैंने बात करी है कि इमिजिएटली जो है, हमारा सिर्फ एक मानना है कि जो आदमी दोषी था, जिस तरफ का होगा, चाहे चाहे वो जिस जिले मर्जी, चाहे वो किसी भी जिले का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे उसका व्यवसाय कोई भी हो, और जो कि उनको, उनके ऊपर जो है जो इन्वॉल्व थे क्राइम में,
उनके ऊपर कार्रवाई हो और जो गाड़ियां हैं वो बाउंड हो, इतनी सी बात है। और जो पुलिस वाले दो हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर FIR दर्ज हो, इतनी सी तो बात है। ये तो एक राजनीतिक माहौल जो है, हवा जो है माहौल खराब करने के लिए कुछ एक लोग बात कर रहे हैं।